बेटा मैंने शादी तो नहीं की, लेकिन क्या मेरे मौला मैंने फ्रूट ट्रफल रेडी है, उसे चाबी भी दे दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी फैजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपकी बहन में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा स्टमक अपसेट है और मुझे टेम्परेचर भी हो गया था। सबसे पहले सुंदस बीमार हुई, फिर ज़ारा बीमार हुई और अब मेरी बारी है। ये वायरल है, मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं आप सबको कह रही हूँ अपना ख्याल रखें, ख्याल रखें, ख्याल रखें, और ख़ुद बीमार हो गई हूँ। यकीन करें मुझे इतनी वीकनेस थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, व्लॉग तो मैंने बनाना है आप सबके लिए। 8 बजे हम लोगों को नौरोज़ का दस्तखान लगाना है, शाम में हमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तखान लगाना है, जिसपे मौला के ये सारे मेहमान आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज तो हमारे घर में बड़ी रौनक लगी है, क्योंकि आज आई हैं मामा की बेटियाँ। हेलो दुआ, हेलो किंजा, हेलो कर लें। हमारे घर में अभी तो सैरी का तमाम हो रहा है, अभी हम सैरी करते हैं। सैरी करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी नौरोज़ का दस्तखान, और नौरोज़ की डिटेल भी मैं आपको दस्तखान दिखाते हुए ही बताऊंगी। सारे लोग उठ चुके हैं सिवाय पापा के। बुगु मिमी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नाना बू को उठाएं, नाना बू को डराते हैं, ठीक है? ठीक है। सिटी नहीं है ना, ना मुझे सिटी भी जाने आती है, तो मैंने मोबाइल में क्या निकाला है, साउंड निकाला, ये मोबाइल में हॉरर साउंड निकाला है, तो अभी जाके ना पापा को डराते हैं। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। उठो, रोजा रख लो, सैरी का टाइम हो गया है। चलें जी जल्दी से सैरी करते हैं, और क्योंकि सैरी करने के बाद फजर के बाद हम सबको अमाल भी करने हैं, और आज है हमारे साथ बिलुडार। जो बहुत पूछते हैं आपके वालिद कहाँ हैं, आपके वालिद कहाँ हैं, एक दफा गौर से दिखाती हूँ, ये रहे मेरे वालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा बड़े व्लॉग में नीचे लोग कहते हैं आपके वालिद कहाँ होते हैं, आपके वालिद ने दूसरी शादी की हुई है, तो बताओ कोई छुप छुपा के की हुई तो नहीं है कहीं? नहीं बेटा मैंने शादी तो नहीं की, लेकिन सोच है मेरी। तौबा तौबा। करने वाले बनो, मैं आपकी कराऊंगी। आप करने वाले बने, आप इतनी हिम्मत करें अम्मी से पंगा लेने की, तो मैं कराऊंगी आपकी। अच्छा जी, तो अभी मैं आप सबको बताती हूँ, बल्कि पापा आपको बताते हैं कि वो हमारे साथ क्यों नहीं होते। मैं पिंडी में रहने वाला बंदा हूँ, सदर में, ठीक है, मुझे सदर पसंद है और मुझे ये ब्लॉग श्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है ये लोग? मुझे अज़ादारी और मतनदारी पसंद है। और ये भी इन्होंने जो दो लाइनें बोली है ना, ये इसमें भी कह रहे थे, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा बेटा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पापा व्लॉग में नहीं आते हैं क्योंकि इनको, ये हमारे साथ होते नहीं हैं, इनको पिंडी गली मोहल्ले, ये पिंडी की, मैं भी पिंडी की ही पैदाइशी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पिंडी में पैदा हुई हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लड़कियाँ बड़ी हुई हमें पिंडी का माहौल थोड़ा सा सूट नहीं करता था, फिर मेरी जॉब जो थी वो भी इस्लामाबाद में थी, तो फिर पिंडी से इस्लामाबाद आना जाना बहुत दूर पड़ता था, तो इस वजह से पहले हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, फिर इस्लामाबाद से हमें अभी बैरिया मूव हुए हुए 6 साल हो गए, उससे पहले हम लोग इस्लामाबाद में होते थे, उससे पहले हम लोग भी सब पिंडी में होते थे, तो हम लोगों का डिसीजन था कि हम लोग इस्लामाबाद या बैरिया मूव हों, लेकिन पापा का नहीं था। जो पिंडी अंदरून पिंडी के रहने वाले लोग हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपनी गली मोहल्ले नहीं छोड़ते, वो पापा का अपना घर है, पापा अपने घर में रहते हैं, वहाँ मेरे सारे चाचू होते हैं, दादू होती हैं, सब होते हैं, क्यों पापा? बिल्कुल सही बात है बेटा, चाचू दादू पुप्पो हम सब मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कोई किसी को फोर्स नहीं करता, जिसका जो दिल करता है वो करता है। इंडिया में शोर शराबा है, बैरिया में शोर शराबा ही नहीं है, बैरिया में खामोशी है। बात तो सही है। हाँ, इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, इतनी खामोशी है कि मुझे चुभती है, और आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, मजालिस जुलूस के अलावा वाला जो शोर है वो मुझे नहीं पसंद, ट्रैफिक रश इन जगहों से दूर भागती हूँ। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे फजर की नमाज, फजर की नमाज के बाद जो है नौरोज़ के अमाल पढ़ेंगे। नौरोज़ के अमाल में 4 रकात नमाज होती है, और 4 रकात नमाज के बाद एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम में 329 टाइम्स एक तस्बीह पढ़नी होती है, वो जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मैं आप लोगों को उस टाइम दिखाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ नौरोज़ की डिटेल। नौरोज़ बेसिकली खुशी का दिन है, इसको ईरानी बहुत ही ज़ोर व शोर से सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का ऐलान हुआ था, इसी दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का भी ऐलान हुआ था, इसी दिन हज़रत
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार लगी थी। इसी दिन हजरत इमाम महदी अखरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म करेंगे। इस दिन के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। गूगल में बहुत से उलमा हैं जिन्होंने डिटेल में इसके बारे में बयान किया गया है। और हर साल नवरोज पर एक स्पेसिफिक वक्त और स्पेसिफिक कलर आता है। इस साल नवरोज आया है 9 रमजान को और उसमें ग्रीन कलर आया है। हज़्ब तौफीक आप ग्रीन चीजें लेके सदके में दे सकते हैं। 329 टाइम्स या जुल जलाल वल इकराम पढ़ा जाता है। फिर जो 8 बजे का टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना, उस टाइम में मिट्टी के कुंडे में 2 फूल रख दिए जाते हैं। ठीक 8 बजे या जो भी जिस साल भी जो भी वक्त जंतरी में आता है उस टाइम वो फूल हरकत करते हैं, तो वो एक कबूलियत का वक्त होता है। सबसे पहले मैं आपको दस्तखान की ज़ियारत करवाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दस्तखान हम सब ने मिलकर जो है सजाया है। इसमें जो जो हम ग्रीन चीज़ें रख सकते थे हमने वो रखी हैं। ये 2 फूल रखे हैं। जब हम तस्बीहां स्टार्ट करेंगे तो इसमें फूल डाल देंगे। या मेरे अल्लाह जी, उन्हें पाक हस्तियां दे सदके जितने भी बच्चे बच्चियां मेरे से मैं दुआवां लगाईयां सारियां दी हाजतां पूरियां फरमा। इलाही आमीन। या मेरे मौला, मैं जल्द जल्द अपना घर अता फरमा। इलाही आमीन। जिथे गाजी अब्बास दा आलम होवे। अल्हम्दुलिल्लाह, नवरोज का ख़त्म दिलवा दिया है। और आपने देखा है जो वक्त जंतरी में बताया जाता है उस टाइम ये हरकत करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बचपन से देख रही हूँ ये हरकत, थोड़ी सी करें लेकिन करते हैं। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि शाम को उठकर जो है वो हज़रत इमाम हसन के दस्तखान की तैयारी करनी है। सबसे मिलेंगे इफ्तार से पहले। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो बस मैं जल्दी से उठी और मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी ज़ोहरन, क्योंकि मैं देर से उठी हूँ, मैं काफ़ी देर सोई हूँ। मुझसे पहले ये सब उठ के अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तैयारी चल रही है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तखान की। जल्दी जल्दी से अब तैयारी जो है वो कंप्लीट करते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये देखें, हाँ जी अम्मी, ये देखें हाल क्या मचा हुआ है। इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही। फ्राई चीज़ों वाला जो है डिपार्टमेंट वो है किंजा की तरफ। अभी हम फ्रूट ट्राइफल बनाना है, जिसके लिए मैंने कस्टर्ड बना लिया है। सबसे पहले कस्टर्ड की जो है वो लेयर लगाएंगे। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को इस तरह से मैंने ग्लासेस में और फ्रूट ट्राइफल बाउल में इस तरह से एक लेयर बना ली है। कस्टर्ड के बाद लगानी है क्रीम की लेयर। इस तरह से ये मैंने क्रीम लगाई और फिर यूं करके इसको पूरा प्लेन कर देंगे ऐसे। ये देख रहे हैं इस तरह। क्रीम के बाद लगानी है अब मैंने फ्रूट्स की लेयर। ये देखिए मेरे मुंह से पानी आ रहा है। तो अभी नहीं मिलेगा, आपका रोजा नहीं है, सबका रोजा है। जब रोजा खुलेगा सबके साथ बैठ के आप रोजा खोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा रोजेदारों के सामने। ओके, यमी लग रहा है बहुत। अब फ्रूट के बाद लगाएंगे जेलीज की लेयर। अब हम कीवीज को इस तरह से बाउल के एजेस पर लगा देंगे ऐसे। अब मैं करूंगी इसके ऊपर चॉकलेट की। ये देखें जी, हमारा फ्रूट ट्रफल रेडी है। बस लास्ट में इसके ऊपर लगाएंगे ये स्टिक्स रोल। सबसे खड़ा हुआ देख रहा है कि अब ये बन तो गया लेकिन मुझे खाने को कब मिलेगा, है ना मिमी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ गंदे हैं। क्या हुआ, रोजा लगा हुआ है? क्या हाल है फिजा? चलें जी, दस्तखान इमाम हसन लग चुका है। अब मैं आपको करवाती हूँ दस्तखान की ज़ियारत। उससे पहले हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक्स भी जो तुम लाई हो ना, ये इधर लगा दो सारी। आधी नीचे लगा दो सुंदर, आधी यहाँ लगा दो। ये मैक्रोनीस मामा ने बनाई है, ये मैंने बनाया है। ब्रेड कचौरी मैंने बनाई है। ये फ्रूट ट्रफल मैंने बनाया है। येलो पकौड़े किंजा ने बनाए हैं। और ये पोटैटो पफ्स मैंने बनाए हैं। और ये जूस किसने बनाया है?
हाँ ये दुआ ने बनाए, ये जूसेस जो हैं ये दुआ ने बनाए हैं। फ्रेंच बीन्स और कीमा ये मामा ने बनाया है। ये लेंजी पालक भी आ गई। दे 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 दे, दे। आपके लिए सारा कुछ ही स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया है। आपके लिए मैंने ये मीठा बनाया, आप खाती थी बहुत कम है मीठा, लेकिन ये मैंने फ्रूट ट्राइफल स्पेशल आपके लिए बनाया है। बहुत खूबसूरत है ज़ाहरा का चैन। इमाम हसन आपसे फरियाद है सबकी मुरादों को पूरा कर दे। जरूरत है मदीने का चांद, आपकी आमद को सलाम और आपके आने और आपके कदमों को सलाम। ने पकड़ी है सबकी महारा, चले आ रहे हैं इमाम बारा, है नारे लगा तुम्हारा रमजान। इसका रमजान आज निकला, ये बीमार थी। मेरी चाबी नहीं दी। चाबी भी दे दे, चाबी भी दे दे, चाबी भी दे दे। थैंक यू। मेरे दिल की सदा मौला हसन आपका नाम। मौला मौला तेरा करम है सब दुखों की दवा। अपने यज़दाने छुपा लिया मुझे दामन में, अपने यज़दाने है मैंने जाही लिया। मौला हसन आपका नाम। और अब सुंदस कराएंगी दुआ। मामा को सुंदस की दुआ बहुत अच्छी लगती है और वो करती भी बहुत अच्छे अंदाज से। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जाते मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान व अज़मत पे। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अल्लाह पाक तेरी जाते पाक से दुआ है कि हम तमाम शियाने हैदर करार, तमाम मोमिनों मोमिनात, तमाम मुसलमान बहन मुसलमान भाई जो जो जहाँ जहाँ मौजूद है, जिस जिस कोने में मौजूद है, जिस जिस हमसे दुआ करें, कहाँ हमारे अपने हमारे गैर जो जो जहाँ जहाँ मुफ्त लाचार मोहताज लोग हैं, हम सब की दुआ में बरगाह रबुल इज़्ज़त में बरगाह पाक जनाब सैयदा में करती हूँ कि हम सब की तमाम तर हाजात बरगाह जनाब सैयदा में बाहर के मौला गाज़ी अब्बास मुस्तजाबियत की मोहर लगा दीजिए। इलाही आमीन। चलें जी सबसे पहले अब रोज़ा खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तखान हो गया, दुआ भी होगी। अच्छा मैंने नान और रोज़ के बारे में एक और चीज़ पढ़ी थी। मैंने ये पढ़ा था कि आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर पानी फेंकें, और पानी फेंकने से ये होता है कि ना कभी भी कोई बीमारी नहीं आती। और ये ईरानी जो है वो ईरानी तो खैर बहुत कुछ करते हैं, तो ये जो पानी वाली चीज़ मैंने पढ़ी थी ना ये मुझे बड़े मज़े की लगी थी। अभी जाके सुंदस और महक रूम में बैठी हैं उन पे फेंकते हैं। ओए तुम लोगों को पता है मैंने ना नरोज़ के बारे में पढ़ा था कि उसमें ये था ईरानी एक और चीज़ करते हैं ना, वो ये करते हैं कि पानी फेंकते हैं उससे ये होता है। इधर करो मुँह बारिश भी होती है और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। पूरा साल आपको पूरी जिंदगी कभी बीमारी नहीं होती। ये पढ़ा है पानी कहाँ से लाया?
तुम्हें पता है ईरानी करते हैं, ईरानी पानी फेंकते हैं। नहीं ईरानी जो है ना, ये फन मैंने सही चीज ये मैंने सुबह से भर के रखी हुई थी कि तुम सब आओगे, तुम सब पे पानी फेंकूंगी। अब कौन रह गया? तुम रह गई, तुम रह गए। अम्मी अम्मी आपको मैं सुबह पढ़ के दिखा रही थी ना, आपको मैं सुबह पढ़ के सुना रही थी ना वो वीडियो। नहीं आपको सुबह मैंने वीडियो दिखाई, मेरी बात बोल सुनो, आपको मैंने सुबह एक वीडियो दिखाई थी। केड़ी वीडियो? उसमें क्या कह रहे थे? कौन रह गया? ये रह गया। गिर जाएगी फाइगा। छोड़ दो बस, चलिए मेरे पे फेंक तो दिया, ये देखो पूरा गीला कर दिया। चले जी मेरी गाली लग। वैसे मुझे ये वाला पार्ट इतना अच्छा लगा था ईरानियों का कि पानी फेंकना चाहिए सब पे, इससे ये होता है कि तुमने भी सुना ये, इससे ये होता है कि आप बीमार नहीं आते और अच्छा साइन होता है। चलें जी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।